जो आप कह रहे थे ना, मुझे देख के क्या लगा आपको, पहचाना कैसे? मतलब आपको सिनेमा के बारे में जो शो करते हैं उसके बारे में आपको पता था ना? अच्छा, हाँ, जो आप लोग सब खड़े होते हैं उसके बारे में। तो आपने ऑटो रोक लिया अचानक से, पहचान लिया आपने? अच्छा, जो आदमी किसी को ज़्यादा देखता है ना, तो उसको कहीं भी वो पहचान नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा पर्सनल लगाव एकदम। इंडिया न्यूज़ क्यों देखते हैं क्या आप, कैसे क्या? बाकी न्यूज़ नहीं देखते। अच्छा, तो इंडिया न्यूज में मतलब आप सीमा को हम लोग क्यों दिखाते हैं, ये सवाल आपका बार बार। हाँ, क्या ज्यादातर आप सीमा के बारे में ज्यादातर डिबेट कर रहे हैं आप लोग, आप उसमें जो है तो इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई वो देख रहे हैं पब्लिक, उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं ना इंडिया न्यूज, लोग देख रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा। सबसे बेहतर आप जानते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे को यही समझ में आ रहा है कि अगर आप मुझे, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, आप मुझे पहचान रहे हैं, तो इसका मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो आपको चैनलों में पता होगा कि सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, तो खबर भी दिए बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आप बताइए, सीमा को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए यार, नहीं रहना, क्यों रहना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? नहीं आप बताइए ना, वो चार बच्चों को छोड़ के आ गई, लेके आ गई अपने पति को छोड़ कर, तो क्या होगा? किसी से अगर किसी को मोहब्बत है, तो सच्ची मोहब्बत है, अगर वो जाती थी। अच्छा हाँ, अगर वो जासूस नहीं, हाँ अगर वो जासूस नहीं, हमारे हिंदुस्तान में एजेंसी काम कर रहे हैं, उसकी जाँच हो रही है। हाँ, अगर वो जासूस नहीं है तो एक महिला है, तो मदद सब दिया जाए यार। हमारी 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, और चार लोग बढ़ जाएंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आ रही। लेकिन अगर जासूस निकल आई तो? निकल आई तो उसे फांसी दी जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसे जेल डाला जाए, फांसी। अगर नहीं निकलती तो आप चाहते हो यही रहे? बिल्कुल रहना चाहिए, उसमें क्या, महिला है उसका सम्मान करना चाहिए। महिला है, चार बच्चों को लेके आई, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। लेकिन लोग कहें पति को धोखा देकर आई है। भाई पति भी 4 साल से अगर बाहर है, हाँ? वो पत्नी को नहीं धोखा दे रहा है, सिर्फ हम अपनी कमाई में ही लग जाए। आज मेरा काम नहीं हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हम बच्चों को टाइम नहीं देंगे। बच्चों को महीने दो महीने में जाके टाइम तो देना होगा। लेकिन सऊदी अरब में एक बार आदमी जाता है, 2 साल 3 साल 2 साल आने को नहीं मिलता, मतलब 2 साल में तो आना चाहिए। अगर उसे इतनी मोहब्बत बच्चों से, बीवी से थी, अब उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत पैसे से थी, और सीमा ने जो है पैसे को अहमियत नहीं दी, अपनी मोहब्बत को अहमियत दी। उनका घर मकान आप ही के जरिए से, मैं आपको टी वी के आप लोगों के जरिए से पता चला, उसने अपना घर मकान पैसा चले नेपाल आई, तो उसके बाद यहाँ आ गई। और वो अगर जासूस होती तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, वो क्यों जाती वकील के पास, क्यों जाती वकील के पास, हमारी कोर्ट मैरिज हो जाए, लीगल तरीके से रहने लगे, जासूस क्यों जाएगा ये सब पता, छोड़ नहीं जाता। तो आप चाहते हैं रुके? बिल्कुल रुके नहीं चाहिए, कहूँ उसमें। तो देखा आपने, मैं अभी घर के बाहर निकला था और मुझे देखते ही ऑटो वाले भैया ने मुझे पहचान लिया कि आप इंडिया न्यूज़ पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इधर आइए, इधर ऑटो ना लीजिए, इधर आ जाइए। मैं उधर आ गया इधर, और उन्होंने मुझे पहचाना क्यों, क्योंकि मैं इंडिया न्यूज़ सीमा से रिलेटेड ज़्यादा खबरें दिखा रहा हूँ। तो उनका कहना था कि आप एक मिनट आइए, बात तो करिए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना ऑटो से, लेकिन उन्होंने बुलाया और बोला आपको मैं पहचान रहा हूँ और सीमा से रिलेटेड आप इतना खबरें क्यों दिखा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा सीमा रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? जैसा आपने सुना, वो चाहते हैं कि इतने 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर 5 लोग और रुक जाएंगे, अगर वो जासूस नहीं है तो क्या चला जाएगा इंडिया, अगर वो जासूस नहीं है? इसका मतलब ये है कि लोग देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ को, लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा लोग चाहते हैं कि सीमा रुके। और उनका ये भी सवाल था ऑटो वाले भैया, इनका ये भी सवाल है कि हम सीमा ही क्यों कर रहे हैं, ज़्यादातर हम सीमा नहीं कर रहे हैं, हम और भी तमाम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जिस चीज़ को देखना चाहती है वो हम दिखा रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि मैं बाहर खड़ा था, उन्होंने मुझे पहचाना और कहा कि आप ऑटो मत करिए, लेकिन 2 मिनट बात कर लीजिए। ये देश की डिमांड है, ये लोगों की मांग है कि वो सीमा को यहाँ रोकना चाहते हैं, जिस तरीके से 15 अगस्त उन्होंने मनाया और जिस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ इतनी मुश्किलात के बीच यहाँ रह रही हैं रघुपुरा में। कल मैं रघुपुरा भी गया था और वहाँ जाकर उनके घर गली में जाकर मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी। लोग देख रहे हैं सीमा को यहाँ रोकना चाहते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्ते।